जय दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मिट जी। और इस वीडियो में बात करूंगा आईएएस एग्जामिनेशन में आए हुए सबसे सरल क्वेश्चंस। दोस्तों, आपने आईएएस की कठिनाइयों के बारे में तो जरूर सुना होगा कि आईएएस कितना कठिन होता है, और कठिनता का या सरलता का जो किसी भी एग्जामिनेशन में हम अंदाजा लगाते हैं, वो लगाते हैं उनमें आए हुए प्रश्नों से, है ना। तो मैं कुछ ऐसे प्रश्न आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जिन प्रश्नों को आप बार बार, जो बनडे एग्जामिनेशन आते हैं, फोर्थ क्लास के एग्जामिनेशन में भी ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, और यूपीएससी में ये अब तक आए हुए सबसे सरल प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अच्छा, ये प्रश्न आईएएस के एग्जामिनेशन में आया है, ऐसा आप करने पर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, ठीक है। हालांकि पढ़ना तो होता ही है, मान लीजिए वनडे एग्जामिनेशन निकालना है तो आपको पढ़ना ही होगा, लेकिन उसमें से पढ़े हुए में से यदि आईएएस के एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाए तो एक अलग ही बात है, आपका भी मन करने लग जाएगा कि हम भी अब यूपीएससी का एग्जामिनेशन, आईएएस का एग्जामिनेशन देंगे। तो चलिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है दूसरे लोगों तक, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में क्वेश्चंस। देखिए, रेड क्लिप समिति से संबंधित आपने प्रश्न देखा है, ये फोर्थ क्लास के एग्जामिनेशन में भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर रेड क्लिप समिति जो है किससे संबंधित है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। और इसका आंसर आप सभी लोग जानते ही होंगे, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिप सीमा रेखा ही बोलते हैं, और रेड क्लिप समिति द्वारा इसको जो है बनाया गया था। रेड क्लिप एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा, यानी कि डायरेक्ट प्रश्न ये आया है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है। दल बदल से संबंधित जो क्रियाएं दी गई हैं वो कौन सी अनुसूची में दी गई हैं। डायरेक्टली प्रश्न आया है 10वीं अनुसूची। ये आपका जो ग्रुप डी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें बार बार रिपीट होता रहा है ये प्रश्न, और आईएएस के एग्जामिनेशन में भी ये प्रश्न आया है। हालांकि प्रश्न तो बहुत और भी सरल हैं, लेकिन मुझे जो दिखाई पड़े अब तक के वो बता रहा हूँ, जो ग्रुप डी से मैंने निकाले कि वहां पर कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं उनके आधार पर। भारत के संप्रति के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ली गई है, ये आप सब ने पढ़ा होगा, सब ने कहीं ना कहीं वनडे एग्जामिनेशन के लिए, और ये ग्रुप डी फोर्थ क्लास के एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आया है। सोचिए, और वो प्रश्न आपके किस में पूछा गया है, आईएएस के एग्जामिनेशन में। मैं लास्ट में बताऊंगा आखिरकार ये प्रश्न ऐसे क्यों आ रहे हैं। देखिए, एक ये प्रश्न होगा जो बार बार आपने देखा होगा, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसकी सहजीवी साहचर्य है। आपको पता होगा ये बिल्कुल, शैवाल और कवक के बीच की जो कड़ी होती है वो लाइकेन्स होती है, शैवाल और कवक के बीच की। ये बार बार ग्रुप डी से लेकर के वनडे एग्जामिनेशन में रिपीट होता रहता है बार बार प्रश्न, ठीक है, और ये यूपीएससी में भी पूछ लिया गया था। भारत, देखिए ये प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग कह लीजिए, या थोड़ा सा हंसी आएगी आपको सुनकर। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है। नीति आयोग की स्थापना करी है किसका स्थान लेने के लिए करी है, बताइए। अब बताइए, योजना आयोग के लिए की गई है, ये किसे नहीं पता है। ये फोर्थ क्लास से लेकर के आपके आईएएस तक के एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछ लिया गया, आखिरकार क्यों ऐसा प्रश्न देखकर आपको लगेगा। देखिए, ज्वारभाटा से संबंधित ये प्रश्न है। ज्वारभाटा किन कारणों से आता है, सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण आता है डेफिनेटली, चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण आता है डेफिनेटली आता है, और पृथ्वी का एक अपकेंद्री बल होता है उसके कारण भी आता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी यहाँ पर तो मान लीजिए डायरेक्ट दे दिए गए, लेकिन वहां पर प्रश्न कैसे पूछा गया है, सीधे सीधे पूछा गया है, तो ये प्रश्न भी डायरेक्ट जो है बना हुआ है। एक ये देखिए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। अब भारत का मैप है,
मैप के अंदर सभी को पता हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है, गुजरात सबसे पश्चिम में है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ये प्रश्न आपके ग्रुप डी फोर्थ क्लास से लेकर के आपके आईएएस में भी सोचिए पूछ लिया गया। एक ये है, सम्राट अशोक के द्वारा जो राज आदेश जो छपवाए गए थे उनको किसने पढ़ा था, विकुटन किसने किया था, तो जेम्स प्रिंसेप। सबके मुंह पर ये नाम आ जाता है तुरंत ही, जेम्स प्रिंसेप। ये प्रश्न बताइए आईएएस में आया हुआ प्रश्न है और फोर्थ क्लास में भी आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे, 8-10 प्रश्न है, ये 8-7-8 प्रश्न है जो मैंने आपको बताया। आखिरकार ऐसे प्रश्न क्यों आते हैं, ये एक तरह से दर्शाना चाहते हैं कि सभी लोग इस एग्जामिनेशन को दें, चाहे वो फोर्थ क्लास से रिलेटेड हो या थर्ड क्लास से रिलेटेड हो, उन लोगों को कम से कम प्रश्न देख करके ऐसा लगे कि हाँ आप भी ये चीज कर सकते हो, तो इसीलिए ये प्रश्न जो है दिए जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आते हैं, ठीक है, यूपीएससी में कभी कभी बहुत सरल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जैसा कि मैंने दिखाया है, और कठिनताओं की तो संभावना होती है, वो कठिन क्यों है जब तक आपने पढ़े नहीं है। ये चीजें क्या है, ये फैक्ट है जिन्हें आप वन डे एग्जामिनेशन में अक्सर पढ़ते रहते हो, इस वजह से ये क्या लगेंगे आपको, बहुत सरल प्रश्न लगेंगे, यार ये तो बहुत सरल प्रश्न है। तो इस प्रकार से कठिनता और सरलता जो है बनती है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये सबसे सरल प्रश्न है अब तक के आईएएस के प्रश्न में, आईएएस के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।